वेलकम बैक टू संजरी एकेडमी। मेरा नाम जकाउल्ला। देखो दोस्तों, अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो अलजेब्रा का सेकेंड चैप्टर है। रात के 3 बज रहे हैं, मैं आप लोग के लिए इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक ना है। मैं जहाँ पे शूट कर रहा हूँ, यह मेन हाईवे है, बाजू में मंदिर है और कई मस्जिदें हैं, तो काफ़ी बैकग्राउंड म्यूजिक आती है, काफ़ी म्यूजिक आती है बाहर से, म्यूजिक बैकग्राउंड साउंड आता है। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप लोग को डिस्ट्रैक्ट ना हो, इसलिए मैं रात में शूट कर रहा हूँ अपनी नींद को मार के। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करो। हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलजेब्रा का। तो पढ़ने से पहले आप लोग का सभी का स्वागत है संजरी एकेडमी में। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत मजा आने वाला है इसके अंदर आप लोग को। समझ में आ रहा है? आप लोग 11th में जाओ, 12th में जाओ या 13, 14, 15, आप लोग को ये मिलते ही रहेगा, कहीं छूटने वाला नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले हम लोग को ये देखना पड़े हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहली चीज हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पढ़ना है, हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है। आज का हमारा जो इस लेक्चर्स में रहेगा पहला पार्ट, हम किसके ऊपर डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, इक्वेशन का मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने का तरीका क्या है, समझ में आ रहा है। इससे पहले हम लोग ने जो पहला चैप्टर पढ़े थे लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, बराबर। फिर दूसरे इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि कोएफिशिएंट क्या होता है, फिर वेरिएबल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, पूरा हम लोग ए टू जेड डिटेल इंट्रोडक्शन में हम लोग कवर करेंगे। फिर दूसरा हमें इसमें क्या पढ़ना है, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दूसरी टॉपिक हमें पढ़ना है। तीसरी टॉपिक क्या है, नेचर ऑफ द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब उस रूट का नेचर कैसा है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर्स में। फिर उसके बाद क्या है, चौथा टॉपिक्स क्या है, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोएफिशिएंट, ये चौथा टॉपिक्स। और पांचवा टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब यूजेस, डे टू डे लाइफ में हम लोग को कहां पर और कैसे यूज करना है एप्लीकेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमें इस चैप्टर में पूरा टॉपिक कवर करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इसको कवर करते हैं, एक साथ तो कवर अप नहीं कर पाऊंगा मैं। हम लोग आज का जो हमारा इस लेक्चर रहेगा इसके ऊपर सिर्फ इंट्रोडक्शन रहेगा, इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा इक्वेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब क्या होता है। इधर ध्यान देंगे, सबसे पहली चीज इक्वेशन जो बना है वो किससे बना है, इक्वल से बना है। किससे बना है, इक्वल मतलब क्या होता है, इक्वल आ गया मतलब क्या है, वो इक्वेशन है। मान लो कि मैं बोलता हूँ राम की उम्र है 35 साल है, कितना है, 35 ईयर्स है। तो ये एक तरीके क्या है, ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें क्या बन गया, इक्वल आ गया, तो ये क्या है, एक तरीके क्या है, इक्वेशन है। मैं बोलता हूं m इज इक्वल टू 29 है, किस तरीके से एक वैल्यू ले लिया, तो ये भी क्या है, एक इक्वेशन है। इक्वेशन आया मतलब समझ जाने, उसके अंदर इक्वल की साइन रहेगी। तो इक्वेशन एकदम सिंपल है, आप लोग से अगर कोई पूछता है इक्वेशन क्या होता है, तो इक्वेशन इज अ मतलब दो क्वांटिटी के बीच में क्या रहेगा, इक्वल की साइन रहेगी, तो वो क्या बताता है, इक्वेशन को जाहिर करता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले मैं आप लोग को इससे पहले स्टार्टिंग में बताया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आप लोग को बताया था क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ax + by = c, वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म था, उसका पावर 1 होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर आप लोग मेरा वो वीडियो नहीं देखे तो पहले जाके वो वीडियो आप लोग वॉच कर सकते हैं, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, आज का हमारा जो नया चैप्टर है अलजेब्रा का सेकेंड चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, वेरिएबल के पावर हाईएस्ट पावर कितना होगा, 2 होगा, कितना होगा, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम देख रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एग्जैक्टली ax² + bx + c = 0। क्या होता है, ax² + bx + c = 0 होता है। देखो लीनियर इक्वेशन का भी मैं आप लोग को बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो ax + by + नहीं था इज इक्वल टू c। सबसे पहली चीज ये दोनों इक्वेशन में
एक कंपैरिजन में आप लोगों को बताता हूँ। इधर दो वेरिएबल यूज हुआ है, कितना वेरिएबल यूज हुआ है, दो वेरिएबल यूज हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल यूज होगा, अगर x है तो इधर भी x रहेगा, इधर m है तो इधर भी m रहेगा, इधर t है तो इधर भी t रहेगा। तो इधर क्या है, दो वेरिएबल है, इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या पड़ गया था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ में आ रहा, लीनियर का मतलब क्या होता है, वेरिएबल के ऊपर पावर कितना रहेगा, वन रहेगा, जो कि मैं आप लोग को इससे पहले बता चुका हूं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, ये इसका जो पावर, हाईएस्ट पावर कहां से शुरू होगा, टू से होगा, फिर वन होगा, फिर कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर होगा, क्या होगा, कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अगर कोई आप लोग से पूछता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो आप लोग यही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये तो हमें मालूम पड़ गया कि अब यहाँ पर ये इक्वेशन में खासियत क्या है, एक ही वेरिएबल यूज होता है। अगर मैं बोलता हूँ ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ सर ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि वेरिएबल एक ही है, हमें ये नहीं देखना कि एक्स है तो एक्स रहेगा तो ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, एक्स यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हो सकता है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, कोई भी अल्फाबेट ए बी सी डी ई एफ जी जो भी है। अब यहाँ पर ध्यान दें, जैसे कि मैं लिखता हूँ 5x लिखा, क्या लिखा 5x लिखा, तो ये x क्या है, मेरा वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है, और ये जो 5 है इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट, क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट। समझ में आ रहा है, यानी कि जो वेरिएबल के बाजू में जो नंबर रहता है उसे हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं। और जो ये c दिख रहा है ये विदाउट वेरिएबल के साथ रहेगा, मतलब सिर्फ अकेला रहेगा, कोई भी नंबर रहेगा, समझ में आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट, क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट, समझ में, या इसको फ्री कांस्टेंट भी बोलते हैं, समझ में आ रहा है। ये तो हो गया, अब ये इतना होने के बाद हमें एक चीज और तो पता चल गई कि सर वेरिएबल क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल कोएफिशिएंट तो समझ में आ गया। अभी इधर ध्यान देंगे, इसके अंदर सबसे बड़ी चीज क्या छुपी हुई है, हमें एक चीज और मालूम पड़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर दो से शुरू होता है, अगर दो से बड़ा रहेगा तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। अगर मैं बोलता हूँ ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप लोग बोलिए सर इसका हाईएस्ट पावर 3 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक का मतलब क्या, तो इसका हाईएस्ट इंडेक्स कितना होगा, 2 ही होगा, 2 से कम रहेगा तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, 2 से ज्यादा रहेगा तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, वो भी 2 मतलब क्या, पॉजिटिव में। हाँ, ऐसा नहीं कि सर ए एक्स स्क्वायर का पावर -2 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है, नेगेटिव -2 है। समझ में आ रहा है, तो ये तो समझ में आ गया अपने को। दूसरी चीज, वन इंपॉर्टेंट थिंग, इसको मैं थोड़ा सी रफ कर रहा हूं, आज सिर्फ हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करने वाले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या एग्जैक्टली, समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, मैं बोलता हूं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0, ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है। a B and C is a real number. Real number क्या होता है? कोई भी number. Imaginary को छोड़ के जो 11th में है आप लोग को अभी नहीं पढ़ना है. Real number है. समझ में आ रहा है? अब real number में अगर B की value, मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर B की value 0 आ जाती है, B की value 0 आ जाती है, तो क्या quadratic equation रहेगा? तो इसको अगर B की इसके अंदर put करेंगे, B की value 0 में put करें, तो क्या जाएगा? AX square plus 0X plus C is equal to 0. क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो हाँ सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये 0x मतलब छोड़ देगी, तो ये ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0 लिखूंगा मैं, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो b 0 हो सकता है। समझ में, अगर मैं बोलता हूँ c की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू क्या है 0, तो अगर इसके अंदर पुट करो तो क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की जगह पे मैं 0 पुट कर देता हूँ इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू 0 को छोड़ दो क्या हो गया, ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू c, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन 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 अगर a इज इक्वल टू 0 रहा, a इज इक्वल टू 0 रहा, तो ये क्या बन जाएगा, इसके अंदर अगर मैं पुट करूं तो क्या हो जाएगा, 0x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 0x स्क्वायर मतलब 0 प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये 0 तो हट जाएगा, तो बचा क्या, bx प्लस c इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। यानी कि हमें एक चीज ये मालूम पड़ी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर
एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो हुआ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है, जीरो से छोटा हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं रहेगा। यानी कि मैं इन शॉर्ट ये बोल सकता हूँ बेटा, इसको लिख के लेना तो लिख के लो, इन शॉर्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि इधर ध्यान दीजिए, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ए बी सी इज अ रियल नंबर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो is equal to 0, the highest power of the variable is 2, and if and only if and only if z is not, a is not equal to 0, then we say that the quadratic equation, the these types of equation is a quadratic equation. समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि इस टाइप की इक्वेशन को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। सिर्फ और सिर्फ कंडीशन क्या है, ए की वैल्यू क्या होगी, जीरो नहीं होगी। अगर बी जीरो है तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सी जीरो है तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आ रहा है, अगर मैं बोलता हूँ बेटा 5x² + 7x + 2 इज इक्वल टू जीरो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप लोग बोलेंगे हाँ सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे है ये, अभी तक ध्यान दीजिए, क्या इसका देखो, इसका हाईएस्ट पावर देखिए। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि वेरिएबल सेम है, वेरिएबल सेम है, ठीक है। इसका हाईएस्ट पावर कितना 2 है, इसका हाईएस्ट पावर कितना 1 है, फिर इधर कांस्टेंट है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है ए बी सी, ए की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं बोलता हूँ 5m² + 0m + 0 इज इक्वल टू जीरो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप लोग बोलेंगे सर आपने बताया था बी जीरो हो सकता है, सी बी भी जीरो हो सकता है, सी भी जीरो हो सकता है, ए जीरो नहीं होना चाहिए, तो क्या बन जाएगा 5m² + 0m = 0, ये जीरो का जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो क्या 5m² = 0। समझ में आ रहा है, तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आ रहा है, मेन सिर्फ हमारी क्या कंडीशन रहना चाहिए, ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, वेरिएबल दोनों का सेम होना चाहिए, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये है कि उसका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर 2 से उसका हाईएस्ट पावर ज़्यादा है तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, अगर 2 से कम है तो भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ए बी और सी 0 होगा तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ए 0 आ गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये हमारा कॉन्सेप्ट था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म तो बता चुका हूँ, अब कंपैरिजन किस तरीके से किया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। मान लो कि मेरे पास कुछ इस तरीके से वैल्यू -7 -7m² - 2m - 3 इज इक्वल टू जीरो, मैं बोलता हूँ इसके अंदर ए बी सी की वैल्यू आप लोग निकाल के दिखाओ, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे तो इधर लिखना पड़ेगा बाय कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब इधर ध्यान देगी बेटा, इधर स्क्वायर वाला टर्म है, इधर स्क्वायर वाला टर्म है, इधर एक्स स्क्वायर के बाजू में ए है, तो ए की वैल्यू ये होगी, क्या होगी, ये -7 होगी, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, साइन के साथ बोलना है, ए की वैल्यू -7 होगी, बी की वैल्यू क्या होगी -2 होगी, बी की वैल्यू क्या होगी -2 होगी, और सी की वैल्यू क्या होगी -3 होगी, सी की वैल्यू क्या होगी -3 होगी। कुछ इस तरीके से कंपैरिजन किया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, इसको बोलते हैं कंपैरिजन करना, क्या करना, कंपैरिजन करना। इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का 2.1 का पहला सवाल, क्या बोल रहा है, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये ओपन स्टेटमेंट है, इसका कई आंसर हो सकता है, अब लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, सभी का सेम नहीं हो सकता है, अब ये अपनी मर्जी से क्या बोल रहा है, राइट मतलब लिखो, राइट एनी टू मतलब कोई भी, एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक आंसर तो सिंपल है, एनी टू क्या मैं लाखों लिख सकता हूँ, एक तो ये लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैं लिख सकता हूँ इसके कंपैरिजन में 5m² + 3m + 2 इज इक्वल टू जीरो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कोई भी दो लिखना है अपने को, ठीक है, आप लोग अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, m² = 0 ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप लोग और कुछ लिखना है, ये तीसरा हो गया, ठीक है, मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ, और भी लिखना है तो y में लिख सकते हैं y² - 3y इज इक्वल टू जीरो, मैं c की वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें लिखने का था, अपनी मर्जी से मतलब कितना भी लिख सकते हैं, ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग को लिखना रहेगा जिसका हाईएस्ट पावर 2 रहना चाहिए। और लिखना है तो और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं n² + n + 1 इज इक्वल टू जीरो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आ रहा है,
अच्छा एक चीज़ और बता दे रहा हूँ मैं आप लोग को, इसमें क्या प्लस प्लस है तो ये मत सोचना कि प्लस में ही लिख सकते हैं, माइनस में भी लिख सकते हैं, माइनस एन स्क्वायर माइनस एन माइनस जो भी अपनी मर्जी से डाल दो, माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम लोग को साइन नहीं देखना है बेटा, साइन इंपॉर्टेंट नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए और इसका वेरिए इसके इसका क्या वेरिएबल सेम होना चाहिए और क्या होना चाहिए ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, बस यही कंडीशन है। इसको लिख के लो, आप लोग अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, इसके कई आंसर्स हो सकते हैं, किसी का मैच नहीं हो सकता है, कोई फिक्स क्वेश्चन नहीं है, इसको लिख के लो। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का सवाल नंबर 2 देखने वाले, क्या देखने वाले, सवाल नंबर 2 देखने वाले। सवाल नंबर 2 क्या बोल रहा है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें डिसाइड करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। देखो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें मालूम पड़ना चाहिए कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये आप लोग को इसका मालूम होना ज़रूरी है। जब तक ये नहीं मालूम पड़े तो आगे हम लोग सॉल्व ही नहीं कर सकते। हमें मालूम पड़ना चाहिए कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, यानी कि आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये सवाल नंबर 2 का पहला, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या चेक करना है, क्या वेरिएबल सेम है, हाँ वेरिएबल सेम है, ठीक है। इसके बाजू में कुछ भी नहीं तो कितना बेटा 1 है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो मतलब ये a भी 0 नहीं है, ठीक है। स्क्वायर हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, यानी कि उस फॉर्म में दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, प्लस और माइनस का कोई इशू नहीं रहता, अगर इधर माइनस भी रहता तो भी अपने को टेंशन नहीं है, ठीक है। तो इधर क्या लिखेगा आंसर में, आप लोग सिंपल आंसर में क्या लिखेंगे, इन दिस इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन एक्स इज अ ओनली वन वेरिएबल ओनली वन वेरिएबल विथ हाईएस्ट इंडेक्स। इंडेक्स तो मालूम ना आप लोगों को, इंडेक्स मतलब होता है पावर, इंडेक्स मतलब क्या होता है पावर, हाईएस्ट इंडेक्स इज 2, दिख रहे हैं, हाईएस्ट इंडेक्स इज 2, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये अपना ऐसा आप लोग को लिखना पड़ेगा, क्या लिखा मैंने, इन दिस इक्वेशन एक्स इज अ ओनली वन वेरिएबल विथ हाईएस्ट इंडेक्स इज 2, द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसको लिख के लो, हम लोग सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते, ठीक है। अब सवाल नंबर 2 क्या बोल रहा है, वही है सवाल नंबर 2 का दूसरा सवाल है, क्या बोल रहा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 2। देखो इसको बार बार मुझे लिखना पड़ रहा था इसलिए मैं इसको मिटाया नहीं, खाली सवाल को चेंज कर दिया हूँ, अगर रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो क्या लिखना वो मैं बताऊंगा। अब इसमें क्या बोल रहा है, अभी तो देखो वेरिएबल सेम है लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, मतलब एक्स वाई और कांस्टेंट नंबर लेफ्ट हैंड साइड में रहना चाहिए और 0 एक साइड रहना चाहिए, तो इसको मैं बना देता स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा ये वाई स्क्वायर, ये प्लस 5y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 5y हो जाएगा, ये माइनस 2 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, इधर कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचा 0 बचा। देखो वेरिएबल सेम है, हाईएस्ट पावर कितना 2 है, तो मतलब ये क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर आप लोग को इसमें सेम आंसर लिखना पड़ेगा, इन दिस इक्वेशन, अभी वेरिएबल क्या है वाई है तो इधर क्या आ जाएगा एक्स, सॉरी इधर क्या, इधर एक्स था ना इससे पहले वाले क्वेश्चन में, इधर क्या वाई है तो इधर क्या आ जाएगा वाई, तो क्या लिखे, इन दिस इक्वेशन वाई इज अ ओनली वन वेरिएबल विथ हाईएस्ट इंडेक्स इज 2, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर वेरिएबल एम रहेगा तो क्या लिखेंगे, इन दिस इक्वेशन एम इज अ ओनली वन वेरिएबल विथ हाईएस्ट इंडेक्स इज 2, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक, खाली वेरिएबल चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसको लिख के लो, हम लोग आगे, अब सवाल नंबर दूसरे का तीसरा हम लोग देख रहे हैं, डिसाइड करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो डिसाइड करने से पहले हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हम लोग को क्या करना पड़ेगा बनाना पड़ेगा। तो इधर ध्यान दीजिए कैसे बना रहा हूँ मैं, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो कितना है बेटा 1 है, और जब भी दो फ्रैक्शन के बिटवीन में प्लस के साइन रहते तो क्या करते, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते, ये वाई है ये वाई स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये वाई का क्यूब बन जाएगा, क्या बन जाएगा वाई का क्यूब, प्लस का प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 हो जाएगा, इज डिवाइडेड बाय वाई को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 2, ये क्या हो जाएगा वाई क्यूब
प्लस वन इज इक्वल टू, ये डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि टू वाई हो जाएगा। अपने को मालूम है RHS पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा ये वाई क्यूब का वाई क्यूब लिखा, ये प्लस टू वाई इधर आके क्या हो जाएगा माइनस टू वाई हो जाएगा, ये प्लस वन का प्लस वन लिखा इज इक्वल टू जीरो। अच्छा अब इसमें क्या लिखेंगे आंसर में, आप लोग सिंपल आंसर में क्या लिखेंगे, इन दिस इक्वेशन y is only one variable with highest index कितना है, highest index मतलब उसका power, highest index is 3, therefore the given equation is not a quadratic equation, ठीक है। इसे आप लोग को लिखना पड़ेगा सिंपल, अगर हाईएस्ट पावर 3 आ गया तो मतलब ये 2 से ज़्यादा है, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर दूसरे का, चौथा सवाल क्या बोल रहा है, x प्लस वन अपॉन x इज इक्वल टू माइनस टू दे रहे हैं, बराबर। अब सबसे पहली चीज हमें डायरेक्ट देख के हम लोग बता नहीं सकते कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, बता सकते आप लोग डायरेक्ट, कब बता सकते, जब इसमें आप लोग एक्सपर्ट हो जाओगे तब आप लोग इसको बता सकते कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। कब एक्सपर्ट बनोगे, जब आप लोग मतलब ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोग इसको बता सकते हैं हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में हम लोग इसको बनाना है। तो सबसे पहले इधर इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो क्या है बेटा वन, इसको भी क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस वन को वन से मल्टीप्लाई करो तो वन वन जा वन इज डिवाइडेड बाई एक्स को वन से मल्टीप्लाई करो तो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू, ये एक्स डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स हो जाएगा, समझ में आ रहा है। अब अपना फॉर्मेट क्या है, एक्स वाले टर्म को जितने भी टर्म है सबको इधर लेफ्ट हैंड साइड में रखने का, और बाकी समझ में इधर अपने क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, और बाकी का कचड़ा वहाँ पे जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा बोलो तो, एक्स स्क्वायर ये माइनस टू एक्स है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस टू एक्स हो जाएगा, ये प्लस वन का प्लस वन लिखा इज इक्वल टू जीरो। अब ये क्या हो जाएगा देखो, अब हम इसमें क्या हमें चेक करना है, एक्स एक्स है, हाईएस्ट पावर टू है, मतलब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप लोग आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में सिस्टमेटिक वही, इन दिस इक्वेशन एक्स इज अ ओनली वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल विथ हाईएस्ट इंडेक्स की यहाँ पे डिग्री भी यूज कर सकते हैं, हाईएस्ट इंडेक्स इज टू, देयरफोर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ में आ रहे। इधर इंडेक्स की यहाँ पे डिग्री भी उसका हाईएस्ट डिग्री भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, इसको लिख के लो। हम लोग सवाल नंबर पाँच की तरफ बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ में आ रहा है। सवाल नंबर दूसरे का पाँचवा हम देख रहे हैं, क्या है ब्रैकेट में m प्लस टू और ये क्या है m माइनस टू, अगर इस टाइप के दो ब्रैकेट दिया है और इस लोग के बीच में क्या मल्टीप्लीकेशन है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो मैं आप लोग को दोनों तरीका बताऊंगा। देखो सिस्टमेटिक क्या, कोई भी एक ब्रैकेट को क्या करना पड़ता है, स्प्लिट करना पड़ता है, या तो ये ब्रैकेट को स्प्लिट करो या तो ये ब्रैकेट को स्प्लिट करो, एज योर चॉइस, आप लोग दोनों ब्रैकेट में से किसी एक को स्प्लिट करना पड़ेगा। मान लो कि मैं इसको स्प्लिट करता, स्प्लिट मतलब तोड़ना, यहाँ से मैंने क्या लिखा m लिखा, तो इसके साथ क्या लिखना पड़ेगा m माइनस फाइव लिखना पड़ेगा, फिर इधर क्या बचा था प्लस टू बचा था, फिर इसके साथ वापस ये लिखना पड़ेगा m माइनस फाइव, समझ में आ रहा है मैं क्या बोला, अगर मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ तो ये ब्रैकेट इसके साथ लिखना पड़ेगा, ये प्लस टू का फिर ये, समझ में आ रहा है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर, माइनस का माइनस, 5 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5m हो जाएगा, ये प्लस का प्लस लिखा, 2 को m से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2m हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अभी तक ध्यान देंगे, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, अभी तक ध्यान देंगे, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ आंसर क्या है एग्जैक्टली क्वेश्चन अपना।
हाँ इज इक्वल टू ज़ीरो भी है बराबर, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो होना ही चाहिए, ये अपना सवाल था बराबर। अब इधर ध्यान देंगे, ये तो हो गया अपना। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, इसको ध्यान देंगे, ये वाले टर्म्स को देखो, एम एम वाले को, यहाँ से क्या लिखा है, एम स्क्वायर। अभी क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस फाइव एम है, ये प्लस टू एम है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, पाँच एम में से दो एम गया तो कितना एम बचेगा, तीन एम बचेगा, बड़े नंबर की साइन लगाएंगे, माइनस ये टेन का टेन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये क्या हो गया अपना फाइनल आंसर हो गया, समझ में आ रहा है। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग ने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए, तो इसमें वही आंसर लिखना पड़ेगा। इन दिस इक्वेशन एम इज़ आ ओनली वन वेरिएबल विथ हाईएस्ट इंडेक्स या डिग्री, हाईएस्ट डिग्री भी लिख सकते हैं, हाईएस्ट इंडेक्स इज टू, देयरफोर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर आप लोग इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो भी ठीक है, मैंने इसको स्प्लिट किया था। अगर मैं यही क्वेश्चन को इसको थोड़ा अनदर मेथड से कराने सोच रहा हूँ, अगर आप लोग इसको स्प्लिट करते हैं तो भी देखो आंसर यही आएगा। मान लो कि अगर आप लोग इसको स्प्लिट करते तो क्या हो जाएगा, इधर से मैं क्या लिखूंगा, एम लिखूंगा और ये ब्रैकेट इसके साथ लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा, एम प्लस टू। समझ में आ रहा है। अगर इसको तोड़ रहा हूँ तो ये लिखना पड़ेगा, अगर इसको तोड़ रहा तो उसके साथ ये लिखना पड़ेगा, बस इतना सिस्टम याद रखने का। यहाँ से क्या लिखा, m लिखा तो ये इधर से क्या आ जाएगा, m प्लस टू, इधर क्या बचा, माइनस फाइव, तो माइनस फाइव, तो ये उसके बाजू वाला ब्रैकेट m प्लस टू, समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या आ जाएगा, m को m से मल्टीप्लाई करो तो एम स्क्वायर, प्लस m को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2m, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, माइनस फाइव एम, फाइव टू से कितना हो जाएगा, माइनस टेन हो जाएगा, इज इक्वल टू ज़ीरो। अभी क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर का एम स्क्वायर, 5m में से 2m जाएगा तो कितना बचेगा, 3m बचेगा, बड़े नंबर की साइन लगा देंगे, माइनस 10 का 10 इज इक्वल टू जीरो। देखो सेम इक्वेशन मिल रही है अपने को कि अलग मिल रही है, सेम इक्वेशन मिल रही है, तो वही आप लोग ऐसा लिखना पड़ेगा, इन दिस इक्वेशन m इज ओनली वन वेरिएबल विथ हाईएस्ट इंडेक्स इज टू, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है, इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते, ठीक है। अब सवाल नंबर दूसरे का छठा यानी कि आखिरी क्वेश्चन है, सवाल नंबर दूसरे का क्या बोल रहा है, एम क्यूब प्लस थ्री एम स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू थ्री एम क्यूब। ये तो दिखने से मालूम पड़ रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है, थ्री है, समझ में आ रहा है, तो ये हाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो आप लोग को लास्ट में इधर आंसर में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा आप लोग को तो बताया ही, बार बार मैं लिख के दूंगा तो काफ़ी बड़ी वीडियो बनेगी। इन दिस इक्वेशन एम इज आ ओनली वन वेरिएबल विथ हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट इंडेक्स इज थ्री, देयर फॉर द गिवेन इक्वेशन इज अ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसे आप लोग को लिख के लेना पड़ेगा, इसको लिख लेना। मैं इसका आखिरी क्वेश्चन आप लोग को बता चुका हूँ, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर तीन की तरफ, इसको लिख के लेना, लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीन देखिए क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यानी कि सवाल ये बोलना चाह रहा है कि जो भी सवाल दिया है उसको इस फॉर्म में लिखना है, कौन से फॉर्म में लिखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लिखना है। फिर आगे क्या हो रहा है, राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी, ए बी सी की वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है। तो इधर ध्यान देखिए, सबसे पहली चीज में क्या कर रहा हूँ, ये जो भी सवाल है हमको इस फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म का मतलब क्या है, जितना भी टर्म्स है हमको लेफ्ट हैंड साइड में फेंक देना है और बाकी राइट हैंड साइड में जीरो रखना है। तो क्या हो जाएगा बोलो, तो ये माइनस वाई स्क्वायर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या प्लस टू वाई का, टू वाई यहीं पे था, और ये क्या प्लस टेन है वहाँ पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस टेन हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। हम लोग ने स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दिए, यहाँ तक क्या हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है। फिर क्या हो रहा है, राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा बाय कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ए की इसके बाद में कुछ भी नहीं, तो क्या है, वन है। ए की वैल्यू क्या होगी बेटा, ए की वैल्यू आप लोगों को कैसे निकालना पड़ेगा, इधर ध्यान देंगे, ये एक्स स्क्वायर के बाजू में ये ए की वैल्यू है, ये क्या है बी की वैल्यू है, और ये क्या है सी की वैल्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये विथ साइन के साथ बोलना है, एक बात याद रखना, साइन के साथ हमें बोलना है। तो क्या हो जाएगा बोलो, तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होगी, वन होगी, ए की वैल्यू क्या होगी, वन होगी, और बी की वैल्यू क्या होगी,
बी की वैल्यू क्या है 2 है और सी की वैल्यू क्या है अपने पास सी इज इक्वल टू क्या है -10 है। बस इतना ही करना था, कुछ हार्ड नहीं है, इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। देखो अब तक के हम लोग ने कुछ क्वेश्चन कर चुके, सवाल नंबर 3 का एक क्वेश्चन मैं आप लोग को करा चुका था। ठीक है, अभी हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। जितना भी मैं करा रहा हूँ आप लोग इसकी नोट्स बनाओ, प्रॉपर नोट्स बनाओ अच्छे से और उसको सॉल्व करो। ठीक है, और कोई भी चीज़ ना आप लोग के लिए हार्ड नहीं है, मैं एक क्वेश्चन करा चुका हूँ सवाल नंबर 3 का, आप लोग खुद ट्राई करो। नहीं आता हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि रात के 3:30-4 बज गए हैं, मुझे भी थोड़ा आराम करने का, कुत्ते लोग भौंक रहे, भौ 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 भौ, आप लोग को भी आवाज़ आ रही होगी, देखो देखो समझ में आ रहा है। तो कुत्ते लोग काफ़ी भौंक रहे हैं, मुझे भी नींद आ रही है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दी माय चैनल। सो और अच्छे से सो, गुड नाइट। मैं भी ज़्यादा सोने बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं हालत ख़राब हो गई है, मैं कंटिन्यू सुबह से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो आज के लिए काफ़ी है। और एक चीज़ और, आगे खुद से ट्राई करना ना भूले, अगर नहीं आएगा तो हम उसके आगे, वैसे भी आप लोग नहीं भी ट्राई करेंगे या ट्राई करेंगे तो भी मैं आप लोग को आगे करा के दूंगा। ठीक है, ओके।